कोरोना वायरस। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 सेकेंड के आसपास है, स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है। आप देख सकते हैं वीडियो आपको कुछ इस तरह से शूट किया गया है, तो आपको जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 7.1 के आसपास डर जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे ग्रीन स्क्रीन में उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को आपको कुछ इस तरह से जूम करना है और साइड में यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, तो बिल्कुल आसानी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से है। इसके बाद सिंपल आपको क्रोमा की को यहाँ पे आपको रिमूव करना है, यानी कि जो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है इसे आपको रिमूव करना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का। क्रोमा की को सिर्फ आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद कलर की पे आना है और जो बैकग्राउंड में जो पर्दे आप लगा रखे हैं वही कलर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर यूज किया हूँ, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिल्कुल आसानी से आप ग्रीन कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डन करते हैं। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन सही से रिमूव नहीं हुआ है, तो यहाँ से आपको काफ़ी ध्यान से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल शो मास्क पे क्लिक करना है और ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको बैकग्राउंड जो दिख रहा है इसको वाइट करना है और इसे आपको कुछ इस तरह से ब्लैक कर देना है। तो काफ़ी ध्यान से एडजस्ट आपको कर देना है, तो मैं सही से एडजस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं आप बैकग्राउंड जो मेरा था आप ग्रीन कलर का, उसे मैं एक ब्लैक कर दिया हूँ और फेस को वाइट कर देना है। इसके बाद अब देखते हैं, अब हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद इस दोनों में हमारा साउंड ऐड है, तो किसी एक वीडियो को साउंड को म्यूट कर देना है, क्योंकि नहीं तो डबल साउंड आ जाएंगे। अब मैं आपको एक बार वीडियो को प्ले कर कर दिखा देता हूँ। जैसे ही वीडियो प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आगे आएंगे, जैसे ही बोलेंगे कोरोना वायरस, वैसे ही ये लोग डर जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको वीडियो बनाना है, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे कि आपको सिंपल आपको कहाँ तक का सीन चाहिए, जैसे कि आपने कोरोना वायरस बोले और यहाँ पे डर गया, तो यहीं तक का आपका सीन चाहिए और एक्स्ट्रा पार्ट जो आपका है ट्रिम टू राइट कर देना है। तो सिंपल आपको वीडियो शूट जब भी करेंगे तो आपको टिकटॉक के साउंड पर ही वीडियो शूट करेंगे। वीडियो अगर टिकटॉक के साउंड पर शूट करेंगे तो आप कोई भी पार्ट आपका एक्स्ट्रा शूट नहीं होगा और बिल्कुल आसानी से वीडियो आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आप इस वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जूम इन जूम आउट कर सही से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं सही से एडजस्ट कर देता हूँ लगभग, तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया हूँ। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है और ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, क्योंकि तो लास्ट का सीन जो हमारा स्लो हो जाता है साउंड, वो स्लो नहीं होगा। शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक साउंड लिंक भी दे दूँगा, उसी साउंड पे आपको वीडियो को अपलोड करना है और उसी साउंड पे टिकटॉक से वीडियो को शूट करना है और प्राइवेट में अपलोड कर देना है। उस वीडियो को फिर से हमें डाउनलोड कर देना है।